Hello students, welcome to my class 8. Today I will continue the chapter 7, that name is crafts and industries. Today I will tell you about the industrial revolution in England. Why this is happened to be in England, what is the reason behind it. So let's see. कहने का मतलब कि स्टूडेंट्स आज मैं आपको बताऊंगा कि जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था वह इंग्लैंड में हुआ सबसे पहले और क्यों हुआ, इसके पीछे क्या कारण था, क्यों हुआ और कैसे हुआ, क्या कारण था इसके पीछे, चलिए देखते हैं इस वीडियो में क्या कारण था यहाँ पे कि व्हेन द इंडियन ट्राइब्स वर डूइंग द रॉ मटेरियल्स and they had done the many of the things with the help of handmade things. So they thought also Britishers also thought even I will make such type of things then I will do better to them. So it is started means in the British time the Britishers peoples or peasants were doing the work with the help of handmade good things but a time of changing when the techniques have come and that times the techniques have come the people started to the agriculture and doing the also other work with help of machines so the peasants were very worried because a lot of peoples were doing with the help of handmade good things and they think if the techniques have come and our demand will not be accepted and we will not call to the work so they thought and after this is starting to the revolution kehne ka matlab dear students ki jab british mein dekh rahe the ki british ke jo log the jo peasants the jo kisan the jo tribes the we apne yahan kaam kar rahe the haathon se aur unko bahut din lagta tha कोई भी चीज को प्रोड्यूस करने में लेकिन मिड 18th सेंचुरी में धीरे धीरे क्या हुआ कि ब्रिटिश में कुछ टेक्निक्स आया मॉडर्न टेक्निक आया जैसे उसमें कुछ मशीन्स आए और उन्होंने क्या किया उस मशीनों के द्वारा काम करना स्टार्ट कर दिया और जो कई घंटों लग जाता था कई दिन लग जाता था जो काम करने में हाथ से वह मशीन जल्दी से कर लेती थी तो ऐसे में क्या हुआ कि जो लोग थे बहुत से लोग बहुत से 100,000 सप्लायर लगते थे काम करने के लिए तो उनकी डिमांड कम होती चली गई उनकी ही डिमांड होती कम होती चली गई उसके बाद फिर उनको ऐसा लगा कि अगर यही कंडीशन रहा तो हमें कोई पूछेगा नहीं हमारा अधिकार खत्म हो जाएगा और हम लोग जो काम कर रहे हैं और क्योंकि मशीन जो है मशीन उनकी अपेक्षा बहुत जल्दी काम करती थी तो इस तरह से उन्होंने फाइनली क्या किया रेवोल्यूशन करना स्टार्ट कर दिया रेवोल्यूशन कब होता है अचानक परिवर्तन होता है यहाँ पे लिखा गया ना कि कंडीशन ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल या इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन मतलब होता है औद्योगिक क्षेत्र में क्रांति आना रेवोल्यूशन तभी होता है स्टूडेंट्स जब कोई कारण होता है और एडवांस उस कारण की वजह से विद्रोह होना चालू हो जाता है तो ऐसे में वहां के जो लोग थे जो पहले काम करते थे उन्होंने विद्रोह किया कि ऐसा नहीं होना चाहिए हम लोग कहाँ जाएंगे हम लोग क्या करेंगे तो फिर इस तरह से उन्होंने स्टार्ट कर दिया फिर चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे कंडीशन ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल में क्या कंडीशन था हम पहले पढ़ेंगे कि डिक्लिंग ऑफ हैंडीक्राफ्ट जब भारत में ब्रिटिश रूल आया तो जो आपका इंडियन हैंडीक्राफ्ट था वह डिक्लिन हो गया उनका पतन होना चालू हो गया क्यों पतन होना चालू हो गया इसके लिए रीजन भी है कारण भी है द स्पिनर्स एंड वीवर्स हैड टू बाय रॉ मटेरियल्स एट हाई प्राइसेस बट द कंपनीज एजेंट्स फोर्स देम टू सेल द फिनिश प्रोडक्ट एट अ वेरी लो प्राइसेस यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स डिक्लिंग ऑफ द हैंडीक्राफ्ट में यह पहला कारण यह था कि उनका पतन क्यों होता चला गया क्योंकि जो उनको रॉ मटेरियल्स मिलता था आपको पता है कि जो आपके कारीगर थे क्राफ्ट पीपल होते थे वे रॉ मटेरियल्स को
कलेक्शन करते थे, फिर गुड्स को बनाते थे, फिर थिंग्स को बनाते थे, फिर बेचते थे। लेकिन जब ब्रिटिश वाले ने यहाँ रूल करना चालू कर दिया भारत में, तो जो रॉ मटेरियल्स थे, रॉ मटेरियल्स को जो ब्रिटिश वाले थे उन्होंने इनको बहुत हाई प्राइस भी देना चालू कर दिया, रॉ मटेरियल को बहुत हाई प्राइस भी देना चालू कर दिया। इसके बाद फिर क्या किए कि जो रॉ मटेरियल्स हाई प्रोडक्ट तैयार करते थे उसको बहुत लो प्राइस पे बेचने के लिए अलाउ कर दिए। सोचिए कि मतलब जब ये लोग कोई भी चीज अगर ब्रिटिश वालों से खरीदते थे तो बहुत हाई प्राइस पे खरीदते थे रॉ मटेरियल्स, और जब वही रॉ मटेरियल से कोई चीज कोई मैन्युफैक्चर करते थे, प्रोडक्ट तैयार करते थे, तो उसको वो बोलते थे कि आप इसको बहुत लो प्राइस में बेचिए। तो इस तरह से किसका घाटा लगता था? जो पीपल्स हुआ करते थे, जो हमारे ट्राइब्स हुआ करते थे, उनको ऐसा घाटा लगता था कि भाई हम इतने महंगे चीज को खरीद रहे हैं और इससे बना रहे हैं और फिर हम बेच रहे हैं, इसको बहुत सस्ते रेट में बेच रहे हैं, तो उनका घाटा लगता था। तो इस तरह से धीरे 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 हैंडीक्राफ्ट का जो सिस्टम था वह खत्म होता चला गया, और हम मान सकते हैं कि दिस वॉज द रीजन दैट हैंडीक्राफ्ट डिक्लिन। सो दिस ड्यू टू रीजन। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे द आयरन एंड द स्टील इंडस्ट्री। द आयरन एंड द स्टील इंडस्ट्री, यहाँ पे देखेंगे कुछ औद्योगिक क्षेत्र और भी आए, जैसे लोहे की फैक्ट्रियां और जो स्टील की कंपनियां थी वो अपने भारत में कुछ तरह से ट्रेडिंग कर रही थी, एक्सपोर्टिंग इंपोर्टिंग कर रही थी, और मैन्युफैक्चरिंग का वर्क भी हो रहा था। तो यहाँ पे लिखा गया है आयरन प्रोडक्शन इन प्री ब्रिटिश इंडिया। अब जैसे प्री ब्रिटिश इंडिया में आयरन से बहुत ही आयरन और बींग अबंडेंट इन मेनी पार्ट्स ऑफ इंडिया, आयरन वर्किंग वॉज वाइड स्प्रेड इन इंडिया सिंस एंशियंट टाइम। जैसे जब प्री ब्रिटिश वाले नहीं थे भारत के, ब्रिटिश के आने के पहले भारत में आयरन का वर्क बहुत अच्छे से चल रहा था, लेकिन जब वे लोग आ गए तो इस पे अबेंडन कर दिए। अबेंडन करने का मतलब इस पर बंधे कर दिए, इस पर रिस्ट्रिक्शन लगाना चालू कर दिए कि अब हम जो लोग जब परमिशन देंगे तभी आप लोग इस चीज को यूज कर पाओगे, अन्यथा नहीं यूज कर पाओगे। तो उसके पहले कहने का मतलब कि जब ब्रिटिश वाले नहीं आए थे उसके पहले हमारे जो क्राफ्ट पीपल हुआ करते थे वह इन आयरन से और स्टील से बहुत अच्छे थिंग्स को बनाते थे और बेचते थे और इस तरह से अपना जीवन यापन करते थे। लेकिन जब ब्रिटिश वाले यहाँ पे आ गए तो फिर उस पर, उस रॉ मटेरियल्स पर ब्रिटिश वालों ने अपना अधिकार जमाना चालू कर, क्योंकि ब्रिटिश वालों ने इस भारत को अपने कब्जे में किया हुआ था। फिर यहाँ पे नेक्स्ट है वुड्स स्टील। वुड्स स्टील मतलब होता था जो प्योर स्टील होता था, जो स्टील का वर्किंग होता था उसी को वुड्स स्टील बोलते थे। नेक्स्ट पॉइंट है आयरन स्मेल्टिंग इन ट्राइबल एरियाज। यहाँ पे स्टूडेंट्स आयरन स्मेल्टिंग से आप क्या समझ रहे हैं? आयरन स्मेल्टिंग मतलब होता है कि लोहे को पिघलाकर, जो लोहे को पिघलाकर एक अच्छा सा शेप तैयार करना, एक अच्छा सा वीपन्स बनाना, हथियार बनाना, अच्छा सा वीपन बनाना, हथियार बनाना। कैसे देखते हैं यहाँ पे, विद ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडियन किंगडम वन आफ्टर अनदर द डिमांड फॉर आर्मर्स एंड वीपन्स फेल। मोर ओवर द ब्रिटिश फॉरेस्ट लॉज रिस्ट्रिक्टेड द यूज ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेज। तो क्या हुआ कि जैसे जो हमारे भारतीय ट्राइब्स थे वे इस आयरन को पिघलाकर अच्छे से हथियार औजार बनाते थे, लेकिन क्या हुआ कि जब ब्रिटिश वाले आ गए तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने नियम और कानून बनाया और उन्होंने कहा कि हमारी सेना के लिए भारी मात्रा में इस रॉ मटेरियल्स को चाहिए, कच्चे पदार्थ को चाहिए, दैट वी कैन आल्सो प्रोड्यूस द थिंग्स। सो द इंडियन ट्राइब्स वर नॉट अलाउडेड टू टेक द फॉरेस्ट रिसोर्सेस, दे वर रिस्ट्रिक्टेड बाय द ब्रिटिश पीपल्स। सो दिस इज आल्सो रीजन दैट द इंडियन ट्राइब्स वर नॉट अलाउड टू स्मेल्टिंग द आयरन थिंग्स आफ्टर द ब्रिटिश रूल, ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। कहने का मतलब स्टूडेंट्स, इसलिए उनको अलाउ नहीं किया जाता था कि जो फॉरेस्ट, जो जंगल का रिसोर्स होता था सिर्फ किसके लिए हुआ करता था, ब्रिटिश वालों के लिए। ऐसा इसलिए करते थे कि इंडियन जो ट्राइब्स हैं
इसको ले ना सके, इससे अच्छा सा थिंग्स ना बना सके, ना तो एक्सपोर्ट कर सकते ना इम्पोर्ट कर सके, ठीक है। फिर यहाँ पे नेक्स्ट है द मॉडर्न आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज इन इंडिया, कि कई सालों तक ऐसा सिस्टम रहने के बाद फिर एक समय ऐसा आया कि ब्रिटिश वालों ने ही कुछ परमिशन दिया, जो भारत ने अपने कुछ आयरन की, लोहे की और स्टील की जो इंडस्ट्रीज औद्योगिक क्षेत्र स्थापित किए गए, और एक महान आपके भारत के जो पीपल्स थे वो जमशेद जी टाटा ने स्टील फैक्ट्रीज को, स्टील इंडस्ट्रीज को लाए, उन्होंने, उनकी डिमांड थी कि भारत में लाया जाए और उन्होंने सेटअप भी किया, तो ऐसा सिस्टम उनके द्वारा लाया गया। डियर स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में मैंने आपको बताया दोनों वीडियो में कि क्राफ्ट्स और इंडस्ट्रीज किस तरह से हथियार और औद्योगिक क्षेत्र सेटअप किए गए थे अपने भारत में, और किस तरह से एक जगह से भारत से दूसरे देशों में भी कैसे किया जाता था एक्सपोर्ट इंपोर्ट। आई होप यू हैव बीन अंडरस्टूड दिस वीडियो आल्सो। स्टिल इफ यू हैव एनी काइंड्स ऑफ डाउट यू कैन आस्क मी। ओके, थैंक यू फॉर लिसनिंग मी टुडे।